मेरे वाइफ हैं, उनका नाम कुलवंत कौर है। ये 2016 से हम स्पेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हमको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। इनको बैठने में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे तो लेट जाते थे, लेटे लेटे भी इनको बहुत पेन होता था। तो हमने फिर इनको हॉट कंबल लेके दिया, उस पर लेटते थे तो उनसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, तो बाद में फिर इनका पेन शुरू हो जाता था। उसके बाद में हमने एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट आती है वो लेके दी, वो बस इनको पेन की वजह से नीचे लेट के बसा के बेल्ट को लेट जाते थे तो पीछे से पूरी कमर उसने फूंक दी थी, जला दी थी। तो फिर हम परेशान हो कर के हर जगह से बिल्कुल निराश हो कर के ऑपरेशन से हमको इतना डरा रखा था लोगों ने कि आप इसको इनको नरक में फेंक दोगे, ये बेड पे लेट जाएंगे, आपके सिर के ऊपर भार बन जाएगा, ये आपको बुरे लगने लग जाएंगे, आप इनको ऐसे ही ट्रीटमेंट पे चलाते रहो, टैबलेट गोली खिलाते रहो, चलता रहेगा। तो लेकिन पेन इतना असहनीय हो गया था, इनकी टांगों में भी पेन आ गया था, टांगें भी राइट लेग बिल्कुल इनकी सुन्न हो गई थी, तो पेन कभी लेफ्ट में चला जाता था बैक में, कभी राइट में आ जाता था। तो मैं लुधियाना लेके गया, लुधियाना भी PGI चंडीगढ़ भी दिखाया, हमने कहीं भी नहीं छोड़ा, कहीं भी कोई जहाँ भी किसी ने बताया वहीं गए। तो उन्होंने फिर हमारे को डॉक्टर गौरव शर्मा जी का रेफरेंस दिया, तो हमने फिर 7 फरवरी को उनका ऑपरेट करवाया डॉक्टर गौरव शर्मा जी से, और अभी बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे को तकरीबन 3 मंथ होने वाले हैं, 7 तारीख को 3 मंथ हो जाएंगे, 7 फरवरी को हमने ऑपरेट हुआ था हमारा। तो अभी ये अच्छे से चल भी लेते हैं, अच्छे से बैठ भी लेते हैं, अभी इनको कोई इतना पेन नहीं है जितना पहले असहनीय पेन होता था। कभी हम हॉट बोतल से, कभी हम किसी चीज़ से, कभी हमको किसी ने बताया नमक गर्म करके उससे इनको सेका दो तो हम वो भी देते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत रिलीफ है इनको। अभी चल भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, अपना कपड़ा लत्ता कपड़ा सब पहन लेते हैं। अभी हम डॉक्टर गौरव शर्मा जी के बहुत आभारी हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सर, हमारे पेशेंट ठीक है, हम डॉक्टर साहब को बहुत दिल से थैंक्स करते हैं सर। मैंने डिस्क दी प्रॉब्लम थी, मैं बहुत इलाज कराया, मेरा इलाज नहीं होया, बहुत दवाइयाँ खाइया, कोई जगह नहीं छड़ी कोई भी। पहला मेरे लत्तां च भी दर्द आती थी, पूरी ढूही च बहुत दर्द रहती थी सर, मैं अपनी ढूही भी फूक ली थी सेक सेक के। मैं पहला बहुत डरती थी परेशान तो भी तेरी लत्तां खड़ जाएंगी बिल्कुल, तू मंजी ते बह जाएंगी, भी तेन संभालना नहीं, सानू लोगों ने बहुत डराया होया थी जी। हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी, मेरा ऑपरेशन भी वधिया होया, डॉक्टर साहब ने साडा बहुत वधिया इलाज करया, समझाया सानू, असी बिल्कुल खुश हाँ। पहला नहीं मैं थोड़े थोड़ा जहा टाइम खड़ती थी, हूँ नहीं, हूँ मैं खड़ सकती हूँ सर, कोई तंगी नहीं आई हैगी कोई भी। मिसेस कुलवंत कौर को बैक की जो प्रॉब्लम थी उसका नाम है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें बैक की एक बोन आगे स्लिप करती है, जब वो स्लिप करती है तो नसों पे दबाव आता है और टांगों में दर्द जाता है, कमर में दर्द रहता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो हमने इनकी सर्जरी की है उसका नाम है MIS T-lift। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बोन आगे स्लिप हो रही होती है उसे अपनी वापस जगह पे लाके फिक्स किया जाता है। इसके लिए एक स्पेसर और स्क्रूज़ का यूज़ किया जाता है। सोसाइटी ने इनको काफ़ी डराया हुआ था कि अगर आप बैक का ऑपरेशन कराओगे तो आप बेड पे आ जाओगे या बिल्कुल ये फेल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो नई टेक्निक्स हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ ये सर्जरी सेफ़ है और इसके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हैं।